सानिया सिद्दीकी जी। सानिया जी हेलो जी सानिया जी आदाब। जी, आदाब। मोमिना बिल्कुल, है आप? पक्की मोमिना है या हाफ मोमिना है? आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ भी पूछ अच्छा सकते हैं कोई, आप मुझसे। अच्छा नमाजी माजे पढ़ती हैं सोनिया? सोनिया नहीं, सॉरी सानिया जी। नहीं, मैं नमाज तो फिलहाल नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ते? नहीं नहीं पढ़ती, इस्लाम छोड़ नहीं दिया? यार, नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ा मैंने, तो नबी ने मुस्लिम तो यही नहीं कहा ना, पढ़ती। एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? नमाज का। इस्लाम छोड़ दिया, इसका मतलब आपने? अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? है ना, बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरा सोच कुछ और है। मैं बस इतना सोचती हूँ कि अगर नमाज पढ़ना तो अंदर से पहले गवाही आना चाहिए कि हाँ, आपको नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना यानी क्या मुसलमान नहीं? है। मेरे अंदर से मन करे तभी तो मैं पढ़ू ना, अचानक क्यों पढ़ू मैं मन पे नहीं ना होता, मन अल्लाह के हुक्म पे होता है ये रसूल सब। ने और अल्लाह ने आपके मन पे नहीं रखा है ना, कि आपका मन हुआ तो पढ़ लिया, आपका मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा। वो तो अल्लाह ने कंपलसरी रखा है। एडम जी, मैं अपना सोच के अकॉर्डिंग चल सकती हूँ ना? मेरा ये नहीं, है, सोच के मेरे अकॉर्डिंग नहीं मन चल सकती हैं आप। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, फिर आप अल्लाह के अकॉर्डिंग चल सकती हैं। उसने क्या कहा? सोच के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब आप एक चीज पे बिलीव करती हैं। मैं फैक्ट बताऊँ ना, मुझे बहुत जगह, मैं आप दोनों की देखती हूँ, और एक ये जफर का भी देखती हूँ, उनका भी। मुझे बहुत सारी डाउट्स रहती हैं, मैं बहुत कुछ पे मेरी क्वेश्चंस हैं, मैं उस चीज का जवाब तो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो क्यों जानना है फिर चाहती इस्लाम हूँ में अभी तक? एक्चुअली क्या। फिर क्यों है इस्लाम में अभी तक? आपको नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं करता है, आपको बहुत सारे डाउट्स भी है, बहुत सारी चीजें गलत भी लगती है, आप हमें सुन भी रही है काफी दिनों से, तो फिर क्यों टिकी हुई है अभी तक? इतना इजी तो नहीं होता हर जगह से निकलना। हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। जब इस लेवल तक पहुंच गए तो फिर इजी है, यू ऑलरेडी नहीं, नो। निकलना बनाना इजी नहीं है, निकलना इजी है सानिया भी जी। नहीं, आपको ऐसा लगता है? इतना भी इजी नहीं है, क्या बस इजी नहीं है मैं बताइए, कहाँ परेशानी आ रही है आपको? हम कोशिश करेंगे उसको, आपको जवाब देने की। नहीं, मैं आपको ना एक मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, मुझे आपसे पूछना है, जैसे कि मैं ये रियल है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। इन मैं ना हिंदुनिज्म हो चाहे मतलब जितने सारे रिलीजन है, मैं ना हर को ना एक तरीके से देखती हूँ। मेरे माइंड में ये चलता है कि एक सब तरीके लोग से आप एक देख ही नहीं सब, सकते हर को? हर को अब एक तरीके जरूरी से तो कैसे नहीं। देख सकते हैं? क्या हर का हर चीज में, हर एक में एक ही चीज लिखी हुई है? आपने सबको हर एक चीज ही को, साथ खुद आपको इजाजत नहीं देता ना। आप हिंदुइज्म और बाकी रिलीजन को एक नजर से देखो, इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। आपको ये कहा गया है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। वो तो दूसरे मजहब की तो कोई औकात ही नहीं अल्लाह के सामने, तो फिर आप कैसे देख सकती है उनको एक जैसा? मैं, जैसे मैं इंडियन हूँ, मैं क्लियरली मैं इंडिया में हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा डाइवर्स में रहती हूँ। मैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग अलग अलग तरह के मिलेंगे, तो मैं कैसे हट सकती हूँ? मैं तो एक ही जगह देख के रहूंगी ना, मुझे तो यही इस पूछना वजह था। से वही कह रहा हूं ना, अगर आपको जैसी, अगर जो जैसी आप है, अगर आपको वैसी रहना है, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो, और आपके अंदर इंसानियत है, आप लोगों से मोहब्बत करती है, दूसरे रिलीजन वालों से, धर्म वालों से, आप वो करते रहिए। लेकिन अगर आप इस्लाम में रह के बोलेंगी कि मैं इनके साथ मिलजुल के रह सकती हूँ, या ये मेरे बराबर है, एक जैसे हैं, तो फिर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। या तो आपको तो फिर चूज करना पड़ेगा, या तो अरे इस्लाम इस्लाम या इजाजत, इंसानियत। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता, अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस्लाम छोड़ दें। लाइक ये तो सिंपल सी बात है, एक आइडियोलॉजी आप अपनाई हुई है। वो कहती है अपने आप को सुपीरियर समझो, और अगर आप नहीं सुपीरियर समझ रहे तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि आप उसके अंदर हैं भी नहीं, मुनाफिक हैं आप। बल्कि मुनाफिक, आपको मैं बताऊंगा एक बात, इस्लाम में काफिर जहन्नम में जलेगा, लेकिन जो मुनाफिक होंगे आप जैसे, वो उस जहन्नम की आग का ईंधन है, यानी वो लकड़ी है जिनके ऊपर आग जलेगी, जिसमें काफिर जलेंगे। So, अगर आपको लगता है कि जहन्नम से बचने के लिए आप अभी भी मुसलमान हैं, तो ये जो मुनाफिकत आपने अपनाई है, इस मुनाफिकत की वजह से आप जहन्नम का ईंधन बनेगी। आप ज्यादा खतरनाक एडम जगह पे जा जी, रही हैं। आपने जो आपने कहा मुझे, ये ईंधन या फ्यूल जो भी हो, मुझे ये नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ नहीं, ये पता कि लगाना ये चाहिए ना आपको, जन्नत, क्योंकि वरना आपका गेम पहले आप खराब है। मेरी बात सुनो।
देखिए मुझे नहीं पता इस्लाम क्या कहता है नहीं कहता है, बस मुझे इतना पता है कि मैं एक इस्लाम में मेरी पैदाइश हुई है, ये पहला बात। ये दूसरी बात, मैं इतना इस चीज को नहीं सोचती, बस मेरे माइंड में ये चीज रहता है। नहीं, आप सोचें या ना सोचें, फर्क नहीं पड़ता। देखें, आप इस वक्त ऐसी जलेबी घुमा रही हैं जिसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। आप हमारे साथ 2 घंटे भी बैठी रहेंगे तो उसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी आपसे ऐसी ना जलेबी घुमा जलेबी रही हैं आप खुआ, मैं बस जिसमें आपसे ना एक जिसका एंड न्यूट्रल प्रोडक्ट कोई नहीं है। पर्सपेक्टिव जानना नहीं, चाहती हूँ एडम जी और ये क्या साहिल याद जी। रखें? मैं आपसे एक अपना जो, मैं ज्यादा इस्लाम को लेके नहीं पूछ रही, बस मैं इतना पूछ रही क्या मैं सही हूँ, बस मेरा माइंड में गलत ये है, चलता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। किस जगह से आपने हर मेरे पूरे बात इस्लाम की बिना नजर से नहीं, आपने मुझे गलत कह दिया आप गलत हैं। जो जो अभी तक आपने बातें बताई हैं उनमें आप गलत जगह पे हैं इस वक्त। एब्सोल्युटली रॉन्ग जगह पे। एडम भाई एक एक सेकंड, क्या सूफीज्म में ये घुस सकती है? क्योंकि सूफी में एक होता है यार ओए कलंदरी सिस्टम। सूफीज्म, और सबर करे सूफीज्म। हाँ भाई, ओ एडम भाई, यार साहिल भाई जरा इंट्रोड्यूस करा। अच्छा ये नूर भाई हमारे जो है पुराने साथी है, एक्स मुस्लिम है, अच्छे इंसान है। अच्छा मैं समझा ये सूफी वाला आ गया, वो एक बंदा अरे था नूर रोहा भाई थोड़ी सूफी, गलत फहमी हो गई वो हर तुझे। दफा सूफीज्म की ओ जलेबियां घुमाता था। मैं कहा शायद वही आ गया। भाई अच्छा नहीं यार भाई, देखिए, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने क्या खटा इस्लाम में रह के, क्या क्या खटा इस्लाम में रह के अभी तक आपने मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने मुझे क्या कहना क्या कमाया चाह इस्लाम रहे में रह के? ना। तो ऐसा मुझे नॉर्मल नेचर हर ऐसे नॉर्मल, आप इस्लाम में सीखो चाहे आप नॉर्मल ऐसे सीखो तो मिल ही जाता है सीखने को, ऐसा नहीं, क्या कुछ नया नहीं कमाया है? क्या कमाया? कोई नेकी जी। कमाई है? कोई जन्नत जहन्नम के लिए कोई नेकी कमाई है? क्या कमाया अभी तक? मैं कैसे बता सकती कि मैंने सच में जन्नत कमाया या नहीं कमाया? अरे वो तो साबित हो गया कि आप मुनाफिक है, जहन्नम का फ्यूल बनेंगे आप। जब आपने कुछ कमाया ही नहीं है, कुछ अर्न ही नहीं किया नेक्स्ट लाइफ के लिए, बल्कि आप इस्लाम के हर चीज के ऑपोजिट चलते हुए अपने आप को मुसलमान कह रही हैं, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ बीइंग अ मुस्लिम? यहाँ पे हो सकता है कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ। मैंने ये देखिए, मैं आपको ये बस जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि आप इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट चल रही हूँ, लग रहा है मुझे भी कि मैं अपोजिट चल रही हूँ। मेरे बहुत ऐसे अजीब अजीब सवाल हैं जो मुझे जवाब नहीं मिलते, लेकिन हाँ आपके मैंने 3 4 लोगों की देखती हूँ, जैसे आप एडम जी आप हुए, साहिल हुए और एक जफर, मैं इनकी सुनती हूँ बहुत ज्यादा, तो कुछ कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं। और जब मैं अपने घर वालों को कहती हूँ तो वो मुझे समझते हैं कि ये थोड़ा निकल रही है इस्लाम से, मुझे अजीब लग रहा है बहुत जगह, और उस वजह से मेरे घर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं ना थोड़ा डाउट्स अपनी क्लियर करना चाहती हूँ कि बस मैं इतना कह रही हूँ एज अ नॉट इस्लाम मोमिन्स को लेके नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस्लाम में रह के भी, मतलब मैं किसी चीज को एक, मतलब कि जितने सारे धर्म उसको मैं नहीं फॉलो कर सकती, मैं उसे एक समान नहीं दे सकती, यही है इस्लाम यही कहता है। अच्छा सानिया हाँ जी, बहन, ये यही कहता बताइए है। कि क्या आप फातिहा पढ़ सकती है? अभी अभी आपको बिल्कुल जवाब पढ़ मिल जाएगा। सकती हूँ, सूरह फातिहा जी प्लीज पढ़िएगा ठीक है। बिस्मिल्लाह जी प्लीज। रहमान रहीम, सूरह फातिहती मक्की गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौम الدين, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, सिरात अल्लज़ीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद दाल्लीन, आमीन। ये सानिया ये जी, जो आखिरी ये वाला दुआलीन किया ना पूरा आपने, ये हम सब बुलदुआलीन वाले हैं साहिल भाई। एक साहिल नहीं, भाई, एक पॉइंट, हम सब हाँ हैं बुलदुआलीन वाले, और आप इनके साथ क्या कर रही हैं? अगर आप मुसलमान हैं क्या कर रही हैं आप इनके साथ? हम सब तो बुलदुआलीन हैं, आपको तो अनंत अलैहिम इनके साथ होना चाहिए, अनंत क्या बात, अलैहिम, क्या बात, और आप बहुत आ रही हैं जबरदस्त पॉइंट। बुलदुआलीन के साथ जी। प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई। हाँ मैं एक मजे की बात ये बोल रहा था इनकी नूर भाई। किरत से साहिल भाई, किरत से ये हाँ हरगिज भी जो है ना 2 नंबर मोमिना नहीं लग रही। अच्छा, वो किरत तो छोड़ दो, किरत तो छोड़ दो, वो स्टार्टिंग में जो सूरतुल मक्किया बोला था इन्होंने, ये पढ़ी हुई है ये, मदरसे से कोई पढ़ी हुई है, वाकई वाकई मैं भी हंस रहा था, बड़ी बात है भाई, सही मोमिन है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सानिया जी आपने तो अच्छा खासा सीखा हुआ है, तो आपको तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप टोटली अगेंस्ट में जा रही है इस्लाम के, जो भी आप। मेरे बस इतना ही है टू ना कि लाइनें दी मैं आपको कि आपको अनंता अलैहिम वालों के साथ होना चाहिए, ना कि गैरिल मकदूबी अलैहिम वलद्दालीन, भटके हुए लोगों के साथ या गुमराह लोगों के साथ जिन पे अल्लाह का आ अजाब हुआ, जाओ गजब हुआ। कुरान में कोई ऐसी आयत है? हमारी पार्टी में, आ जाओ हमारी पार्टी में फिर। कुरान में कोई ऐसी आयत है जिसके ऊपर आप अमल करती हैं आज भी?
कुछ उतना यार, मैंने उतना ढंग से कुरान पढ़ा ही नहीं है, बस मैंने पढ़ा है, मीनिंग तो समझा ही नहीं है। ओके okay, कोई हदीस ऐसी है जिस पे आज भी आप अमल करती हैं? एक था हदीस, हदीस मैंने पढ़ा था, नहीं वो हदीस नहीं, वो एक पस था, सो क्या कहते हैं, नाम भूल गए, जो सारे दुआ की नहीं होती है, जिसमें लिखा था हर एक मोमिन पे इल्म हासिल करना फर्ज है। ओके नाउ इसका मतलब है कि आप कुरान और हदीस में से एक चीज पे भी अमल नहीं कर रहे हैं, तो भाई बल्कि आप उसके फिलहाल तो ऑपोजिट नहीं जा कर रही रही हूँ, हैं। 2 से 3 साल से तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो फिर ना मैंने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। खैर खैर हो गई, अपने आप को एक्स मुस्लिम आ गए और बाहर निकल आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखती हैं। चले नहीं मैं तो रोजे नहीं रखती। माशाल्लाह, नमाज पढ़ती नहीं है, रोजे अरे रखती नहीं है, भाई यशी हो गई, भाई चिल हो गई, अपने नाम के साथ मुस्लिम जब दिल करेगा हटा लेना, है तो नहीं है। खैर अब आप मुझे आप अपने ये आप बताइए, जबरदस्ती अपने अपने नाम के साथ इंसानियत मुस्लिम लगा लें, वो एक सेपरेट चीज है, जबरदस्ती लगा रही हैं आप, यानी इसे कहते हैं जबरदस्ती? नहीं, मैंने तो लगाना भाई, नहीं, मैंने तो लगाना, ये वैसे ही है सेल्वे, वो जो हिंदुओं में होते हैं वो सबसे बड़े वाले क्या कहते हैं उनको, पंडित, नहीं हाँ ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मणों की कोई कोई जात को ही नहीं अगर पंडित मुझे, करते हैं, ब्राह्मणों की कोई जात नहीं सर। ब्राह्मण ही है ये, है ना? ओके ये वो ऐसे ही है कि एक ब्राह्मण जो है ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए लेकिन अपने साथ लगाए कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये बहुत बार मैंने भी सुना है। वो कहे मेरा नाम है हजरते शिव ब्राह्मण रजी अल्लाह अन्हु, ये बिल्कुल ऐसी गेम कर रही है आप हमारे साथ, लाइक सीरियसली। मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक कर रही हूँ, मुझे ना डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए होता है, लेकिन मैंने आप ना मुझे फंसा रहे हो। नहीं हम तो सीधे जवाब देते हैं, हम डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ब्राह्मण साहब हैं और वो अपना नाम रख ले मोहम्मद ब्राह्मण। ये लो आपके लिए गुलाब भी आ गया, इंसानियत में आपका वेलकम है सानिया जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं अभी फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, मैं हर कुछ जैसे कि नॉलेज, जैसे होता नहीं है कि आपकी दुनियावी नॉलेज मैं इसको गेन कर रही हूँ, तो मैंने अभी 3 महीना मैं थोड़ा बाहर रहती हूँ, मैं अपने होम टाउन से थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ जितना मुझे ना क्या होता है। पहले मैं रिलीजन को बहुत ज्यादा भेदभाव करती थी, पहले जब मैंने बाहर निकला, जैसे मैं मुंबई दिल्ली निकल रही हूँ, तो उस वजह से मेरा ये हो रहा है कि मैं हर कुछ को समझ रही हूँ, हर सरकमस्टांसेस क्या है क्या है। तो मुझे एक चीज मेरे माइंड में ये आया कि मरने के बाद तो नहीं पता मुझे कि जन्नत सच में है कि नहीं है, लेकिन जो है ये दुनिया ही जन्नत है, इसमें जो अच्छे से जीना है जी लो, ये मेरे माइंड में अब नहीं ये है। जन्नत बिल्कुल है, आपको याद होना चाहिए जन्नत है, उसमें आप अपने खावंद की हूरों की सरदार होंगे, और जब खावंद आएगा वो कहेगा मुझे हूर नंबर 5 दो तो आप उसे देंगी, जब हूर नंबर 7 दे दो दे देंगी, हूर नंबर 6, 7 और 8 इकट्ठी दे दो दे देंगी, आप सरदार होंगी उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगी उन हूरों पे, और आपके खावंद को जिस वक्त जौन सी हूर चाहिए होगी वो आप आपसे आके ले लेगा, और हाँ जब कोई 72 को 3-4 दफा करने के बाद उसका दिल करेगा आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का, कहेगा आ भाई आज तू आ जा। ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं अगर ऐसा कोई हो तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उस लड़के को ऐसे उठा के फेंक देने वाली में से हूँ, लेकिन अल्लाह मियाँ मैं ने तो तुझे जन्नत का यही तो नक्शा खींचा है ना, तो अल्लाह मियाँ को अरे उठा के फिर एक चपेट मार देना, खत्म हो गई बात। तब तो मेरे लिए भी दुनिया बहुत में भी घूरे होने चाहिए, तब तो मेरे लिए भी अरे होने जन्नत चाहिए। ने, अल्लाह ने नहीं ना रखा आपके लिए हुरा, यही तो बात है, तो फिर ऐसे अरे अल्लाह को मेरी चपेट आवाज आ मार रही देना। है? जी साहिल भाई आ रही है। मैं बोल रहा जन्नत तो फिर भी वहां तक हमने देखा भी नहीं है, इमेजिनरी है, यहाँ खुद दुनिया में अल्लाह ने इनके लिए 3 शौकनों का भी बंदोबस्त करके रखा है। हाँ नहीं, और अल्लाह ने तो शुरू ही 2 से किया है, और तुम इनमें से दो दो या तीन तीन या चार चार से शादी कर लो, और अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो एक से करो। सो इमेजिन अल्लाह तो स्टार्ट ही 2 से करता है, दो दो या तीन तीन या चार चार, वो तो एक से स्टार्ट ही नहीं करता। आपका खावंद बाय डिफॉल्ट दूसरी शादी कर सकता है इस्लामिक शरिया कोर्ट के अंदर, उसको आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपसे छुप के भी कर सकता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मेरे मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी है इसके ऊपर, कि वो झूठ बोल के आपसे दूसरी शादी कर सकता मैं फिलहाल मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, तो शायद मेरे है। साथ ऐसा तो ना हो। नहीं ना ना नहीं ना ना क्यों, इंडिया में कर सकते इंडिया हैं में चार शरिया शादी? लॉ के मुताबिक कर सकता है ना, इंडिया में जब किसी हिंदू ने भी दूसरी पहले शादी करनी होती है, जब इंडिया में जब किसी हिंदू ये ने भी दूसरी शादी करनी होती है तो वो पहले मुसलमान होता है। सैलवे कौन सा बंदा था, देवनंद कौन था जिसने दूसरी धर्मेंद्र, शादी करी, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र करो वो धर्मेंद्र बगैरत इंसान ने जब दूसरी शादी करनी थी तो वो क्या, वो उसने पहले जाके कलमा पढ़ा और फिर शरिया कोर्ट के अंदर जाके दूसरी शादी की है। तो इवन हिंदू जो हैं वो, मैं शरिया लॉ को क्यों फॉलो करूं, मैं करूंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगी ना। भाई आप आपका नहीं, मियाँ करेगा आपका ना, शोहर, हाँ आपका शोहर करेगा, आप तो नहीं करेंगी। तो मैं वैसे लोगों से क्यों करूं शादी जो इंडिया में रह के मतलब बोल के जिस थोड़ी जगह ना जिस देश करेगा, में,
हाँ वो आपको बताएगा कि नहीं नहीं मैं शरिया को नहीं मानूंगा, मैं मुसलमान हूँ लेकिन शरिया को नहीं मानूंगा, तो जरूरत पड़ेगी जब उसे शरिया की जरूरत पड़ेगी वो कर लेगा। तो उस वक्त आप दो बच्चों की माँ बन चुकी होंगी और फिर आप कहेंगे अरे ले भाई, मैंने तो मैं अपनी, इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं आगे चल इंडिपेंडेंट वुमेन बनूं नहीं तो भाई हमारे कुछ पास हार एक नहीं इंडिपेंडेंट वुमेन आई थी लास्ट टाइम, उसकी मेरी चैनल पे कटिंग पड़ी हुई है, मेरे साथ यही जाए। बात हो रही थी और उसने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, तीन बच्चे हो गए, अब उसने ऐसी हरकत की मैंने छोड़ दिया, मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, लेकिन देखे एडम भाई मैंने अपनी शादी के 22 साल गाल दिए, मैंने अपनी शादी की, मैंने अपनी उम्र की जवानी गाल दी उस बंदे के साथ, और अब देखे उस बगैरत ने दूसरी शादी कर ली। तो आपकी इंडिपेंडेंस का क्या फर्क पड़ा, 22 साल जवानी के तो आप उसे लगा दोगे, 20 साल, 25 साल, आई डोंट नो, 16 साल, वी डोंट नो, राइट? जब उसका दिल करेगा तो शादी का कर लेगा। अब आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे ज्यादा, और क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे उसे, ज्यादा कोर्ट में घसीट लेंगी, थोड़े से पैसे भी ले लेंगी, वो वक्त तो वापस नहीं आने लगा ना। लेकिन मुझे और बस मेन इतना बात, भरोसा है कि मुझे इतना अपने आप पे भरोसा है, इतना किसी के बंदे में इतना तो औकात नहीं कि मेरे साथ ऐसा कोई गलत कर सके। अरे और लेकिन औकात है तो फिर अल्लाह, दिखा सकते सानिया सानिया भाई बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सानिया जी, यू एडम मेड मी लाफ, यू मेड मी लाइफ, सीरियसली सैलवी आपकी आवाज आ रही है, बट शी मेड मी लाफ कि मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। व्हाट द हेल इज दैट, इसे कहते हैं भरोसा ख्वाब ख्याली, मैं इसे ख्वाब कहते के हैं आली, ख्वाब मैं ये नहीं ख्याली। कह रही हूँ, बात यहाँ पे वुमेन पावर की कह रही हूँ कि कोई भी बंदे में इतनी औकात नहीं कि मुझे डंप करे। असाले डंप क्यों करे हाय वाले हाय वाले हैं जो हाय जूते से मार के निकालने वाले, और एक वो भी सेकंड, हाय हाथ हाय जो, हाय हाय, यही मैं कह रहा हूँ, वो आपको आई एम डंप शेकिंग, करेगा, आप जूता निकाल के मार देंगे लेकिन अपनी जिंदगी के 18-20 साल तो वापस नहीं ला सकेंगी ना। दैट्स अच्छा एग्जैक्टली आप व्हाट आई एम सेइंग। एडम जी, आपने जो कहा ना कि आप अपना 22 साल नहीं दे सकती, हाँ मैं 22 साल में तो वो वापस नहीं कर सकती, लेकिन उसे 22 साल का सजा भी बहुत अच्छा दे सकती हूँ। वो दूसरी लड़की का मुंह देख लेना, देख ले, दिक्कत नहीं, लेकिन उसको तरह तरह से जो टॉर्चर होता है ना मेंटली, वो बहुत इजीली दिया जा सकता है, कोई बात नहीं, इतना मेरे अंदर वो पावर बंदा छोड़ के, है। स्टेट भी छोड़ के चला जाएगा, बुड्ढी लेके चला जाएगा, बच्चे तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम मेंटल टॉर्चर उसे नहीं दो रही हो, खुद होगी टेंशन ना लो इस चीज की। ये आप लोगों की खाम ख्याली है, इसे कहते हैं बचपना। पता नहीं 18 साल की हो, 22 साल की, कितने साल की मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ जी, सीम्स लाइक कि आपका दिमाग से अभी तक बचपना नहीं गया। आप अपने घर से बाहर तो निकलेंगे लेकिन यू आर स्टिल अ किड, अभी तक आप अपने पेरेंट्स की बेबी हैं, प्रिंसेस हैं, दिल के बहलाने आपको अंदाजा को, नहीं है दिल दुनिया के कैसी है। बहलाने को, मैं हाँ एडम, वो जो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, गालिब। गालिब ये ख्याल अच्छा है, सही कहा नूर भाई आपने, ये बचपन है आपका, ये दिस इज योर चाइल्डिश ब्रेन व्हाट इज सेइंग राइट नाउ। आप अपने माँ बाप की राज दिला रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और इधर मेन सानिया जी, ये तो हाँ आपको समझो कि बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, दी मेन प्रॉब्लम इज, ये इजाजत इस्लाम दे रहा है, तो ऐसा इस्लाम जो इस चीज की इजाजत दे रहा है, आप इसमें क्यों टिकी हुई है? मेन चीज ये है, ये तो आपको एक सिनेरियो बताया गया है कि ये हो सकता है, तो नहीं भी हो फिर सकता है, हम हो भी लोग के लिए सकता है, क्यों लेकिन नहीं ये है, इजाजत कौन दे रहा है? ये आपका अल्लाह दे रहा है, इस्लाम दे रहा है, प्रॉब्लम वहां पे फिर है। हम लोग के लिए क्यों नहीं है, ये हम क्या लोग सब लोग अल्लाह से, के लिए छोड़ दो ना क्यों इस अल्लाह को जिसने आपको नहीं दिया ये सब कुछ, उस अल्लाह को छोड़ दो, है? किसी हिंदू से शादी कर लेना, किसी क्रिश्चियन से शादी कर लेना, किसी जू से शादी कर लेना, किसी किसी जैन एक्स से शादी मुस्लिम कर से लेना, कर लेना, एथियस से कर एथियस, लेना, एथियस या एथियस, एथियस मुझे नहीं पसंद है, बड़े खराब हो जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड बाय द वे, आई टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स, आई एम इंटरेस्टेड बाय द वे, जैसे आपकी मर्जी हो। ये नूर वाले, नूर भाई को बिल्कुल भी ना लेना। तो बस ये सानिया टेक माय जी, वर्ड्स बैक, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ओके। हाँ इज इट जस्ट वाज जस्ट जोक, जोकिंग, वी वी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, दैट वाज जस्ट जोक। सानिया जी, तो मेन प्रॉब्लम इस्लाम में है ना, तो आप क्यों टिकी हुई? इसी वजह से तो हम बार बार आपको सब चीज बता रहे हैं, क्यों टिकी हुई है? फिर वो जैसा अल्लाह कहता है ना, फबी आई अला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, और और तुम तुम अपने अपने अल्लाह की और इन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह की कौन, तो वैसे ही हम आपसे सवाल कर रहे हैं, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी आप, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी सानिया जी, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी, और क्या क्या बताते जाएं आपको, बताइए। आ जाए हमारी पार्टी में, आ जाए प्लीज, सारी जिंदगी में मजे आ जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है ना रोशन हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या बढ़िया, ख्याल है सानिया जी, अब भी रहना है इस गंदगी में? आपको ढेर सारे गुलामीन यही मिल जाएंगे, जन्नत से पहले यही गुलामीन मिल जाएंगे। ये नूर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपका गिलमान बन के रहेगा, चाहे तो आप इसके गले में पट्टा भी लगा अस्तग़फ़िरुल्लाह, सकती हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और वो जो मेरी मुंह तो में बहन लगाया है, होता है ना, वो वाला भी वो लगा मेरी सकती बहन हैं है, आप, वो ताकि भाई बोल मेरी भी ना बहन है, सके ज्यादा।
मेरी बहन है भाई, बहन है और मेरी बहन है भाई, मैंने मान लिया। थैंक यू बहन मानने के लिए। चले अब राखी बांध दें हम तीनों को। बिल्कुल फिर साहिल भाई ये हो गए, पूरी की शादी भी कर लेते हैं, ये आ गई है घर वापसी हो गई इनकी, हम राखी बांधेंगे हमें। सानिया जी हो गई घर वापसी आपकी? She's almost मुझे तो ये नहीं, मैं इतना जानती हूँ अब तक में मैंने अपने आप पे ये फील किया है कि मैं इस्लाम में उतना फॉलो तो नहीं कर पा रही, कर पा रही मैं करती ही नहीं हूँ, ये लिटरली ये बात सच है। मुझे ना सही और गलत बस मैंने अभी पता है मेरे माइंड में ये चलता है ना कि बस मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे कहीं फंस के नहीं रहना। हाँ तो इस्लाम आप नहीं जी सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अभी का भी यानी निकल के ही जाना पड़ेगा। जो जो चीजें आपको बताई गई है उन बातों पे गौर करिए, क्योंकि इस्लाम में रहते हुए जो जो आपकी सोच है जैसे आप जीना चाहती है वैसे आप नहीं जी सकती है, तो आप इस्लाम में नहीं, वो इस्लाम में रहते सानिया जी इस्लाम में रहते हुए ना, यकीन करें इस्लाम में रहते हुए आपकी जो सोच है वो सरीहन गैर इस्लामी है। तो मेरे भाइयों साहिल भाई और एडम सीकर और सानिया जी अभी मेरा वो वक्त सहर हुआ चाहता है, आप भी जाइए, आपका भी सहर का टाइम हो गया है। बाय बाय वो अपने सहर कर रहे हैं, वो कौन सा रोजा रखता है, सब मुंह से बोल रहा है, जाना चाह रहा था इसलिए उसने कहा यार। ठीक है सानिया जी आप अभी इस पे और सोचें, और कोई एक्सप्लिसिट सवाल होगा तो जरूर आप सोचने की बात है। आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मतलब वो नहीं पेरेंट्स चाहते को बोलने कि को कौन कह रहा है, नहीं मैं पेरेंट्स नहीं मैं अपने कौन कह रहा है? पेरेंट्स को नहीं मैं अपने पेरेंट्स को सही, और जब मैं बताती हूँ कि देखिए ये ऐसा है आप लोग समझिए, तो मुझे थोड़ा सा बस एक काम करना करना, पड़ता है। मुस्लिम के साथ शादी ना करना, बाकी जो मर्जी करते रहना, ठीक है? क्या हैव फन, मुसलमान के साथ शादी मत करना, बाकी सब जो नहीं, मर्जी करते रहना। मैंने ये कहा था अपने पेरेंट्स, मैंने अपने ऐसे बोला कि नहीं यार मैं अपने लाइफ ना मैं ऐसा इंसान से जीना चाहती हूँ ना कि जो मुझे बस लाइफ जीनी है, मुझे पता नहीं कि मेरे मरने के बाद, मरने की लाइफ तो मैंने देखा ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देखा, बस मुझे लाइफ जीनी है कि जिया कैसे जाता है, अल्लाह तो ये कहते हैं दुनिया जियो ही नहीं, ये तो जन्नत सफर है। है ना, अल्लाह तो कहते हैं सफर है, ये सिर्फ एक मुसाफिर हो तुम यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ जियो नहीं लाइफ। तो एनी हाउ आपने लाइफ जीनी है तो आप इस्लाम से बाहर हैं ऑलरेडी, और मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ये सिर्फ मेरी आपसे विनती होगी, मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ठीक है? एंड हैव फन, अगर कोई सवाल होगा तो जरूर आके कीजिएगा, और इतना ना करना इस बात पे कि वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, याद रखना कभी भी छोड़ के जा सकता, दूसरी कर सकता, तीसरी कर सकता, और रिवेंज में सारी जिंदगी आप गुजार नहीं सकती अपनी। आगे अगर आपने जिंदगी के 20 साल गुजार दिए होंगे उसके साथ, तो उसके बाद अगले 20 साल रिवेंज में नहीं गुजार सकती, बच्चे पालेंगे या रिवेंज में गुजारेंगे। सो डोंट थिंक लाइक दिस, थोड़ा सा अपना मेंटल को ग्रो अप करें, और किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करें जो ये कहे कि जन्मों जन्मों का साथ है, जो ये ना कहे कि ये नहीं तो कोई दूसरी सही, और जन्नत में तो वैसे भी ढेर सारी मिल जाएंगी। नहीं ये जन्नत, अरे ठीक है आपके लिए आपने नहीं है ना, कहा, उसके लिए है ना, आप नहीं कौन वो कह रहा है समझ आपके गई लिए, आप, उसके लिए है। हाँ हाँ जी मैं समझ गई, आपने कहा ना कि चलो ठीक है इस्लाम से बाहर, ठीक है होंगी, मैं नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं ये बात तो सच है कि मैं तो फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, ये बात सच है। लेकिन फिर भी ये जितने सारे हैं आपने जो कहे कि ये जो तीन जो लोग जो करते हैं शादी वगैरह जो भी हो, ये तो सच में एक हर एक लड़की के लिए बहुत पीड़ादायक है, और ये तो मैं बिल्कुल फेस नहीं करना चाहूंगी, ये बात है। बस फिर किसी मुस्लिम के साथ शादी ना कीजिएगा, चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप गैर मुस्लिम के साथ शादी करेंगे कि वो दूसरी शादी करें, चांसेस कम होंगे। ऑब्वियसली चांसेस तब भी हैं, अगर वो बगैरत निकल आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस में देखें आपको प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी का पता होगा, जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी कम होगी उस जगह पे जाइए, जिस जगह प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत हाई है वहां से बाहर ही रहिए। दैट वुड बी ऑल। सानिया जी तो गौरव फिक्र करिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, बहुत अच्छा लगा, भले से आप अपने आप को इस्लाम में जबरदस्ती रखना चाहती है लेकिन आपकी सोच और आपकी आपका जो तरीका है उस हिसाब से आप इस्लाम दायरे इस्लाम से ऑलरेडी बाहर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी, ख्याल रखिए अपना। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच।